Hello students, today we are going to discuss about your new unit number 2, plants and animals. In second unit, the third lesson name is plants and their uses. आज से हम second unit start करने जा रहे हैं और उसका third lesson का नाम है plants and their uses. In our surrounding, various types of plants are present. Some are small, big, tiny. There are various types of plants are present in your surrounding. So आज हम देखेंगे बहुत सारे पेड़ों के बारे में की जानकारी. So let's start. Like us, plants are living things. जो हमारे environments में आपको plants दिखाई देते हैं, वो क्या है? सभी living things है. भले ही वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो क्या है? Living things है. We see various types of plants अराउंड अस. हमें हमारे सराउंडिंग में बहुत तरीके के प्लांट्स दिखाई देते हैं. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. क्या होते हैं प्लांट्स? बहुत सारे शेप्स में होते हैं, साइज में होते हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ किसी का शेप आड़ा टेढ़ा होता है, कुछ पतला होता है, कुछ मोटा होता है. ऐसे बहुत सारे वेराइटी में आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं. दे मेक their own food with the help of sunlight, air and water. क्या है plants क्या करते हैं? वो खुद का food खुद तैयार करते हैं. हम हमारा food खुद तैयार करते हैं क्या? नहीं. हमें food कहाँ से मिलता है? plants से मिलता है. but plants क्या करते हैं? वो अपना food खुद तैयार करते हैं. through किससे through करते हैं? sunlight की मदद से, हवा की मदद से और पानी की मदद से वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. अभी हम देखेंगे कितने प्रकार के प्लांट्स है. ट्रीज आर बिग प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स. ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज मतलब जो बिग होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. और उनका स्टेम कैसे होता है? वुडी होता है, मतलब इसे मोटा मोटा होता है. द मेन स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक. जो उनका मेन स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. ये आपको यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. ये क्या है? बनियन ट्री है. ये क्या है? ट्री हो गया. ये क्या है? बहुत बड़ा होता है. और ये इसका क्या हो गया? ट्रंक है. ये इसका मेन ट्रंक है, इसे क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्री हैव ब्रांचेस विथ लीव्स. और कुछ तरह के कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जिनको बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी टहनियाँ होती है. उस टहनियों को बहुत सारे लीव्स होते हैं, मतलब बहुत सारे पत्ते होते हैं. सम ट्रीज बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सम आल्सो बियर फ्रूट्स. और कुछ ट्रीज को क्या होते हैं? बहुत अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स भी आते हैं. There are some of the common trees found in India. ऐसे कुछ common trees है जो हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं. जैसे देखिए इस पिक्चर्स में आपको बहुत प्रकार के ट्रीज दिखाई दे रहे हैं जो आपको हमारे सराउंडिंग में दिखाई देते हैं. फर्स्ट है बनियन ट्री. ये क्या है? बनियन ट्री है. बरगद का पेड़ बोलते हैं इसे, आपने देखा होगा. इसको ऐसे स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत बड़ा होता है. ये है गुलमोहर ट्री. गुलमोहर ट्री सबने देखा होगा, इसको बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं. कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री सबने देखा है. कोकोनट खाते हो आप, उसका पानी भी पीते हो, ये है कोकोनट ट्री. वो ये भी बहुत बड़ा होता है. मैंगो ट्री तो सबके घर में होता है, तो आपने देखा ही होगा उसका जो ट्रंक है बहुत बड़ा होता है. अभी नेक्स्ट, श्रब्स एंड बुशेस आर स्मॉलर इन साइज. श्रब्स जो रोज का पेड़ होता है, अपने रोज का पेड़ सभी के घर में होता है, वो क्या है? श्रब है. वो क्या होता है? स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर साइज में होता है. देखा ही होगा अपने रोज का पेड़, वो क्या है? स्मॉलर साइज में होता है. दे आर वुडी प्लांट्स विथ मेनी स्मॉल ब्रांचेस बट हैव नो ट्रंक. जैसे ट्रीज को क्या होता है? बड़ा ट्रंक होता है, तो श्रब्स को क्या होता है? बड़ा ट्रंक नहीं होता है, उसको
बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, लेकिन उसका ट्रंक बड़ा नहीं होता है और उसको बहुत सारी ऐसी टहनियाँ होती है और वो झाड़ियों की तरह दिखाई देता है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस उसको प्रेजेंट रहती है, इसलिए उसको श्रब्स बोलते हैं। और वो पेड़ जैसे ट्री बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?